अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहिब सरदार पेट्स व्लॉग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कैरियर से होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। तो यार अभी अभी सोकर उठाऊँ और धूप इतनी शदीद है ना, गर्मी भी है और धूप भी ज़्यादा है। तो अभी बस चलते हैं और आप लोगों को सबसे पहले तो अपने मिनी हैंस दिखाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर, उन बर्ड्स के अपडेट करते हैं। तो चलें चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। तो यार सबसे पहले तो ये हमारा कोको बेंटम कुछ इनका पेयर आ गया। ये देखें यार, माशाल्लाह क्वालिटी देखें आप लोग इनके पास, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो यार अच्छा ठीक है, इनको पानी नहीं डाल दिया मैंने, दाना भी डला हुआ है। तो इन्हें बंद करते हैं ऐसे, उसके बाद फिर आप लोगों को ब्रियो बैंटम दिखाते हैं। ये देखें यार माशाल्लाह, ये भी क्वालिटी A1 क्वालिटी में यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें यार माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें भाई माशाल्लाह। यार खैर इनको भी पानी शानी डला हुआ है, दाना शाना डला हुआ है। तो इन सब को भी फ़िलहाल यहीं फिरने देते हैं, इन्हें कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह छत पर ले जाएंगे इन्हें भी। तो यार हम खुद छत पर चलते हैं और अपने बाकी पेट से अपडेट करते हैं आप लोगों को। तो देन फिर उसके बाद दिखाता हूँ आगे आप लोगों को क्या करना है हमें। तो यार फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इधर के कितने गंदे हालात हुए पड़े हैं यार। ये डेली मुझे लगता है यहाँ से ना सारा दाना ज़ाया किए जा रहे हैं। ये अभी तक हमने खोला नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास उसमें भी पड़ा है दाना, इनकी डाइट उसमें भी पड़ी है। क्या बात है भाई, ये देखिए यार माशाल्लाह हमारे 3 इडियट्स, उन दो को देखें कैसे सुकून से लेटे हुए हैं उधर, उसको भी वहीं भेज देते हैं उनके पास। उसके बाद यार ये हमारे लैला मजनू, गुना फॉल्स, गब्बर, बसंती, ओहो, और सिर्फ रानी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राजा अब हमारे बीच नहीं रहा। तो यार सीन कुछ इस तरह का है कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने छत साफ़ करवाई थी अपने, ठीक है ना। और ये आप लोग देख सकते हैं कि दोबारा कितना गंद हो चुका है इधर। तो इंशाल्लाह हम आज शाम को फिर से अपनी छत साफ करवाएंगे। और ये देखें यार माशाल्लाह ये सब, अभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो अभी फ़ौरन बाहर आ जाएंगे, मगर हमने इन्हें बाहर निकालना नहीं है क्योंकि ये फिर अभी बंद नहीं होंगे और फिर शाम को मुझे नहीं पता होता कि मैं लेट हो जाऊँ या जल्दी आ जाऊँ। अक्सर ऐसा होता है कि लेट हो जाता हूँ तो भाई का ये है, वो दाना तो डाल देते मगर उससे बंद नहीं होते ये, तो इस वजह से ना ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ता है। और यार उसके अलावा सीन ये भी है कुछ के कि फ़िलहाल तो इन सारे कबूतरों को बाहर निकालते हैं, फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं। यार आप लोगों को याद होगा कि इधर 2 एग्स होते थे, वो मैंने उठा के इधर फॉस्टर कर दिए थे क्योंकि जो इनके नीचे एग्स थे ना वो अनफर्टाइल थे बिल्कुल ही, और वो अनफर्टाइल एग्स मैंने बाहर फेंक दिए थे। इनको बाहर निकाल देते हैं, ये 2 पेयर रह गए अंदर। यार वो जो अनफर्टाइल एग्स थे ना वो मैंने बाहर फेंक दिए थे और उनके एग्स इधर मैंने नीचे रख दिए थे। माशाल्लाह दोनों एग्स फर्टाइल हैं इनके, और इधर कोई एग नहीं आया अभी तक, नहीं आया। तो खैर इस पेयर को भी यहाँ से पकड़ता हूँ और बाहर छोड़ देते हैं। देखें यार माशाल्लाह इसके पर आ गए हैं, ये भी जल्द ही उड़ने लग जाएंगे सब। तो यार ये माशाल्लाह ये भी बाहर आके, मैं रात को असल में ना अंधेरा हो रहा था थोड़ा थोड़ा ना जब मैं आया था ऊपर, तो मैंने दाना ने यहीं डाल दिया था सबको बाहर निकाल के ना, इनको भी इनको भी, और लाइट मैंने जला के ना तो इधर रोशनी होती है, तो इस जगह पर मैंने इन्हें दाना डाल दिया था। तो बस अभी इनका केज भी इधर इसलिए कर दिया
ताकि यार इधर थोड़ी थोड़ी ना छांव रहे, इधर से इसकी वजह से भी छांव आ जाती है, उधर थोड़ी कम आती है, तो ये ज़्यादा बेटर है, इधर छांव जल्दी आ जाया करेगी। तो यार पानी शानी भर देते हैं इसमें। अभी मैंने टब खाली किया, ये आप लोग गंदा लग रहा होगा मगर इसका कलर ही अच्छा है क्योंकि ये ब्लैक कलर में है ना। तो ये चला के छोड़ देते हैं, देखते हैं सब इधर आएंगे अभी पानी पीने। तो गर्मी है भाई, इंसान को इतनी प्यास लगती है तो इनको भी लगेगी, जाहिर सी बात है। यार दिल तो कर दे इन्हें भी खोल दो बट क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रही, खोलो ना खोलो। चले अभी इन्हें बंद करूँगा तो फिर इन्हें खोलता हूँ, कि इन्हें भी खोल के बस चले जाएंगे, आज आज़ाद फिरने देंगे इन्हें। यार ये क्यों इतना उड़ने लग गए, इसके तो पर मैंने ज़्यादा कट किए हुए थे। यार हमारे माशाल्लाह लकों के भी पैर आ रहे, वो पर आ रहे हैं, और इनमें भी काफ़ी सारे कबूतरों के पर आ चुके हैं, जैसे कि एक इस वाले के आ चुके हैं ये देखें, और इस फीमेल के आ चुके हैं, इसके भी आ चुके हैं, इसके भी आ चुके हैं। इनको भी बस थोड़ा सा टाइम है, थोड़े टाइम बाद ये सब उड़ने लग जाएंगे। ये तो माशाल्लाह वैसे ही हमारा आपको पता है फुल शूटर ही है, ये तो सही उड़ लेता है। यार हमारी बसंती ना बिल्कुल भी एग्ज नहीं लेकर दी, कुछ टाइम से मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए इसका। या तो ये एग्ज ले करती है और कोई ना कोई खा जाता है, मगर यार हमें कोई छिलका तो मिले ना, हम वो भी इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, मैं ना कोई छिलका मिलता ना कुछ। इधर भी यार सारा गंद हुआ हुआ है, समझ से बाहर हुआ हुआ काम, मगर इंशाल्लाह जल्द ही ये सबको साफ करवा देंगे हम। तो पानी बंद कर देता हूँ, ये फुल हो गया, अभी सारे खुद पी लेंगे पानी ना। उसके अलावा यार ये जो ये स्टिक है ना, इससे मैं हल्का सा होने वाले कबूतर ऐसे करता हूँ ना, ये सारे उड़ने लग जाते हैं। यार सीन कुछ इस तरह का कि सब पेट्स को खोल दिया है, दाना पानी उन्हें मैंने डाल चुका हूँ, हेंस को तो रात से मीन्स के अपने जितने भी ग्राउंड बर्ड्स हैं इनको तो रात से ही डाला हुआ था, मगर जो हमारे कबूतर हैं उन्हें अभी डाला है मैंने दाना पानी, तो ठीक है ना। तो फिर एक कबूतर आर तो चला गया उधर, सबको तरता तरता उधर चला गया, चले खैर कोई नहीं। तो यार इन सबको दाना पानी डल चुका है और नीचे वाले बर्ड्स को भी दाना पानी डल गया था। तो यहाँ करता हूँ अपनी वीडियो का एंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।